हेलो दोस्तों, रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं आप सबको, सारी बहनों को और भाइयों को भी, भाइयों का आशीर्वाद। ठीक है, और आज है रक्षाबंधन। एक्चुअली दो दिन हो गया था, एक दिन 30 और एक 31, तो हम लोगों ने 31 वाला ही बनाया है। मैं भी बना रही हूँ पूरी, और खीर बना चुकी हूँ। एक मटरा बना रही थी बट वो अभी तक बॉयल नहीं हो गए, मेरे को लगा वो उबल गए बट वो बिल्कुल भी गले नहीं थे। तो अब मैंने कहा फिर से उसे चढ़ाया हुआ है। मिशिका कनिष्का भी अभी राखी बांधेंगे। मैंने कहा पहले भोग लगा देती हूँ भगवान को, उसके बाद आपको वीडियो शेयर करूँगी उसी की। तो अभी भगवान जी को मैं बस लगाने ही जा रही हूँ। पहले मैं सोची पूड़ियाँ बना लूँ आराम से। और ये मिशिका कुछ कहना चाह रही, क्या कह रही मिशिका? मैं बोल रही थी हेलो एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। हाँ ठीक है, बस आपका रोल यहीं तक था। मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ, कनिष्का अंदर है अभी। बस भूख भी लग गई है बच्चों को, मुझे भी लग गई है एक्चुअली। मम्मा कितना कट करना है, कितने पीस? आधा ही करके, छोटे छोटे पीसेस करते हैं ना, फोर। मैं बताती हूँ, रुको, ये खीरा कट कर रही है। एक्चुअली बूंदी थी तो सही, पता नहीं मिल नहीं रही मुझे कहाँ रखी है मैंने। तो मैंने कहा तब तक मैं खीरे का रायता बना देती हूँ। खीरे का मतलब गला हुआ कद्दूकस करके वाला, नहीं पीसेस वाला। वैसे अच्छा आइडिया है मिशिका, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। हाँ ये आइडिया तो मुझे अच्छा याद आ गया कि हम वैसा भी बनाते हैं। चलो दोस्तों मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या बनाया और क्या भोग लगाया, फिर मैं आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद। दोस्तों ये है देखिए पूजा, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया इसकी जगह, पहले दूसरे कमरे में था, अब मैंने यहाँ लगा दिया और ये फोटो यहाँ आ गई है। पहले भी यहीं होती थी बट बीच में हमने चेंज करी थी, उसके बाद अब फिर से चेंज कर दिए। और मैंने बनाई है खीर, खीर का मैं लगा रही हूँ माता रानी को भोग। और इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसमें मिशिका और कनिष्का ने राखी बांधी है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, फिर मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। खाना हो गया रेडी। एक थाली है मिशिका की, दूसरी कनिष्का की और तीसरी थाली मेरी है। तो अब हम करते हैं लंच। तो ऐसा रहा आज का दिन, हम गए प्रिशा के घर, उसके बाद दिन में खाना खा के हम थोड़ी देर लेट गए थे। और उसके बाद फिर कनिष्का की मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाने के बाद हम चले गए थे प्रिशा के घर। और अब आ गए हैं डिनर करके, रात के 9:30 बज रहे हैं। तो दोस्तों मैंने कहा रक्षाबंधन का दिन तो अच्छे से निकल गया, अब मैं आपको कर दूँ टाटा बाय बाय, क्योंकि अब हम जा रहे हैं सोने। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।